सो हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। बहुत दिनों के बाद आ चुका है आप लोगों के लिए एक और जानदार वीडियो, और मैं हूं अभी यूनाइटेड टॉकीज के पास। यहां पर आप देख रहे हैं यूनाइटेड टॉकीज, और यहां से मैं कच्चे चल रहा हूं गोलघर के साइड में मैं हूं, और यहां से मैं चल रहा हूं असुरन के साइड में, और आप लोगों को पूरा व्यू दिखाने वाला हूं। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आप लोगों के लिए बना करके लेकर के आया हूं, और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं मैं हूं पैंटालून के पास, और मैं आप लोगों को साथ में बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आप लोगों को न्यूज़ से रिलेटेड कॉन्टेंट मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर अब मैं न्यूज़ टाइप में वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, तो मैंने सोचा है कि ये और दरअसल चीज़ें ये हैं ना कि रियल न्यूज़ बहुत कम जगह देखने को मिल रहा है। लगभग अधिकतर न्यूज़ बिकाऊ न्यूज़ हो गए हैं, मतलब मीडिया बिकाऊ हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ सटीक तरीके से न्यूज़ का कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करा जाए। तो इसको लेकर के आज के बाद इस चैनल पर न्यूज़ रिलेटेड वीडियो आने वाली हैं। तो बिल्कुल अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक करके, हमारे चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और फिलहाल यहाँ से हम चल रहे हैं जो है कि काली मंदिर के साइड में, और यहाँ से ये मैंने शॉर्टकट रास्ता लिया हुआ है। यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं, ये जैसे ही आप लोग अब ये चौराहे से आएंगे गणेश चौराहे की तरफ, तो बीच में एक रास्ता कटा हुआ है शॉर्टकट के तरीके से, और ये रास्ता सीधे काली मंदिर चौराहे पर लेकर के जाता है। तो यहाँ से देखिए, जैसे ही हम लोग मुड़े और यहाँ से मैं फिर मेन रोड पर आ गया, और ये मेन रोड कहाँ पर लेकर के आ गया है, ये मेन रोड आ गया है काली मंदिर चौराहे के पास, और यहाँ से जस्ट इसके आगे जो चौराहा आप लोगों को दिख रहा है यही चौराहा है काली मंदिर चौराहा। और मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि काली मंदिर चौराहा पहले से कितना ज़्यादा चौड़ा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा चौड़ा हो चुका है, और ये ब्लैक गाड़ी जो कि मेरे आगे बहुत समय से चल रही है, तो फिलहाल चलने देते हैं, इसको रोकने का ज़रूरत नहीं, और हम रोक भी तो नहीं सकते हैं क्या ज़रूरत है रोकने का, और काम कर भी तो नहीं सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ से देख लीजिए, इस चौराहे का भी थोड़ा सा चौड़ीकरण हो रहा है, इस पटेल चौराहे का भी थोड़ा सा चौड़ीकरण हो रहा है, और ये रोड का चौड़ीकरण तो कम्प्लीट हो चुका है। देख सकते हैं कितना बेहतरीन व्यू नज़र आ रहा है आप लोग को यहाँ से, लेकिन इस चौराहे का लुक थोड़ा गुलंबर को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है। वो किस प्रकार से बनेगा सारी जानकारी और जो है कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। लेकिन तो आज से बात ये न्यूज़ रिलेटेड वीडियो होने वाला था, बिल्कुल न्यूज़ रिलेटेड वीडियो में भी हम इसको भी कवर कर देंगे, उसी में कैसे कैसे कि यहाँ पर सारी सारी चीज़ें चल रही हैं। तो न्यूज़ रिलेटेड वीडियो जब मैं बनाऊँगा तो वहाँ पर कॉन्टेंट की कमी नहीं होने आ रही, नहीं देखने को मिलेगा, और आप लोगों को बहुत सारा वीडियो, मतलब वीडियो की कमी नहीं होने वाली है, आप लोगों को रियल वीडियो एट्रैक्टिव जो है कि कॉन्टेंट मिलेंगे। तो फिर मतलब रियल न्यूज़ ढूंढना पड़ेगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा। तो फिलहाल इस तरीके से बहुत सारी वीडियो की कमी नहीं होने वाली है। तो बिल्कुल अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ पर धर्मशाला ओवर ब्रिज के ऊपर, और आप लोग देख पा रहे हैं कुछ इस प्रकार से अभी दिख रहा है हमारा धर्मशाला ओवर ब्रिज, और इस ओवर ब्रिज पर बहुत जल्द जाम का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। हो सकता है इसको भी फोर लेन बनाया जाए, फोर लेन ओवर ब्रिज बनाया जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम है यहाँ पर बनाने की, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रास्ते में तोड़ फोड़ करनी होंगी, जो पॉसिबिलिटी तो नहीं नज़र आती है। लेकिन मैं साथ में ही मैं बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं सामने बन रही है एक बहुत ही बड़ी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जी हाँ दोस्तों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बहुत बड़ा बन रहा है, रेलवे की तरफ से बनाया जा रहा है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। यहाँ दोस्तों रेलवे का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बन करके तैयार होने वाला है, बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं ये जो बिल्डिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये बिल्डिंग है रेलवे का शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि कुछ इस प्रकार से बन रहा है। तो जैसे ही बन जाएगा मैं फिर आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में या फिर वीडियो में किसी प्रकार से लेकर के जरूर अपडेट लेकर के आऊँगा। अपडेट से रिलेटेड वीडियो तो बिल्कुल मिलेंगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहें, वीडियो अपडेट वाली तो आप लोगों को मिलती रहेंगी, लेकिन और ढेर सारे कंटेंट मैं आप लोगों को लेकर के आना आप लोगों के लिए लेकर के आने वाला हूँ। और ये चीज़ क्या है मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है कि ये चीज़ क्या बन रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं कि ये चीज़ क्या बन रहा है। बाकी मैं यहाँ से उतर रहा हूँ, अब धर्मशाला ओवर ब्रिज से चल रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये है गोरखपुर का रेलवे स्टेशन, और यहाँ पर एक पानी का टंकी न्यू बना हुआ है। तो फिलहाल मैं चल रहा हूँ जो धर्मशाला से असुरन चौराहे के साइड में, और धर्मशाला ओवर ब्रिज से गेट नंबर 9 के पास से उतर रहे हैं असुरन चौराहे के साइड में चलने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पर एक रिक्शा रुका हुआ है, ये देखिए बिगड़ रहा है कि बन गया है कि क्या हो रहा है। तो फिलहाल इस कुछ समस्याएं हैं, मिस्त्री बना रहा है या हम कह सकते हैं कि ड्राइवर ही बना रहा है। तो इस सिचुएशन में हम नहीं रुकें, और हम लगातार अपने जो है कि पथ पर आगे बढ़ते रहें, और असुरन चौराहे की तरफ प्रतिस्थान करते रहें। और इस प्रकार से हम आ चुके हैं, और ये ब्लैक गाड़ी जो हमारे आगे कभी से चल रही थी अभी भी चल रही है। तो बिल्कुल हमें इसको रोकना नहीं है, हमें चलते रहना है, और इस प्रकार से जो है कि
ये रोड भी काफ़ी चौड़ा हो चुका है, असुरन चौक भी काफ़ी चौड़ा हो चुका है। इस पर मैं आप लोगों को ऑलरेडी एक वीडियो लेकर के आया हूँ। और इस असुरन चौक पर किस प्रकार के चौक का निर्माण किया जाए, नीचे चौराहे पर क्या बन रहा है, अगर इसको आप लोगों को पता है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि असुरन चौराहे पर क्या बन रहा है।